ये है दोस्तों हमारा कैमरा, ये तो ऑन नहीं होने वाला। तो ये है माउंट, इसको साले को कितना भी टाइट कर लो, ये देखो ये। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में काफ़ी दिनों के बाद। और आज हम फाइनली ब्लॉग करेंगे रमज़ानों के बाद, क्योंकि हमारा जो तबीयत है वो ख़राब हो चुका था और काफ़ी टाइम से हम बीमार चल रहे थे, उठने की हालत में नहीं थे, तो ब्लॉग करने की हालत में कहाँ से होंगे। लेकिन फाइनली आज हमने सोचा है कि ब्लॉग करेंगे और अपने कैमरा का और लैपटॉप का हालत दिखाएंगे। और बाकी सब सामान का हमें कुछ पता ही नहीं, कहाँ रखा हुआ नहीं रखा हुआ, तो अभी सब चीज़ को ढूंढेंगे। और 2 महीने हो गए, कुछ भी चीज़ चार्ज नहीं है मेरा, उन सबको एक एक करके चार्ज करेंगे पहले, और उसके बाद जो है हम ब्लॉग करने के लिए बाहर जाएंगे। काफ़ी दिनों तक बहुत ख़तरनाक गर्मी थी, फाइनली 2-3 दिनों से मौसम अच्छा है, और कल तो बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से आज थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा कैमरा, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये है लैपटॉप, दिखाता हूँ मैं। ये है दोस्तों अपना लैपटॉप, काफ़ी टाइम हो चुका है खुले हुए, और इसके ऊपर धूल देखो, धूल दिखाता हूँ मैं, ये देखो बहुत गंदा है भाई। और ये रहा अपना कैमरा, पता नहीं ये चार्ज है या नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत धूल है, देख लो ये देखो। तो अभी इसको पहले ऑन करते हैं, मुझे नहीं लगता ये ऑन होगा अभी। ये देखो देख रहे हो कितनी गंदगी है इसके ऊपर, और ये शायद ऑन हो, शायद ऑन हो, ये तो ऑन नहीं होने वाला मुझे पता है। चलो इसको देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं होता। ओ, कैमरा तो ऑन हो गया, कैमरा ऑन हो चुका है। तो लैपटॉप का ऑन नहीं होने वाला, कैमरा जो है अपना वो ऑन हो चुका है, ये देखो। तो ये क्या दिख रहा है भाई, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, कैमरा अपना ये वाला ऑन हो चुका है, लैपटॉप ऑन हुआ नहीं है। तो अभी हम इसको जो है चार्ज में लगा के ऑन करेंगे, देखेंगे होता है नहीं होता, क्योंकि कैमरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा लैपटॉप है, क्योंकि जब तक एडिटिंग नहीं होगा तब तक वीडियो डलेगा नहीं अपने चैनल पर, और कैमरा का वीडियो इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि ये फ़ोन में एडिटिंग हो नहीं पाता। हमारा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये माउंट जो है वो ख़राब हो चुका है, लेकिन घर से तो निकल चुके हैं, ध्यान दिए नहीं, अब पता नहीं क्या होगा, जैसे होगा ऐसे चलाना ही पड़ेगा हमें। तो काफ़ी टाइम के बाद, 1.5 महीने के बाद हम मोटो ब्लॉग कर रहे हैं, और अभी जब मेरी माँ की ये जो मोटो ब्लॉग हो रहा है थोड़ा दिक्कत से हो रहा है, क्योंकि हमने सही से चेक किया नहीं घर पर माउंट वगैरह, और वैसे निकल गए बिना चेक किए जब बाहर निकले हैं, तो अभी पता चल रहा है कि इसका वो टाइट करने वाला होता है, माउंट को टाइट करने वाला होता है वो लूज है, जिसके कारण हमें दिक्कत हो रही है। डर लग रहा है कि भाई ये कहीं कैमरा खुल के रास्ते में गिर ना जाए, अब पता नहीं क्या एंगल है नहीं है। बाकी मौसम बहुत ही मस्त है, और पुराना वाला एक्सपीरियंस हमारा लौटते हुए। तो अभी हमने दोबारा से टाइट किया है यार, ये इतना लूज हो रहा है बार बार, क्या बताऊँ। तो आगे करके रख देंगे कैमरे को यार, मोड की माँ देने को। अब खैर ब्लॉग के लिए तो निकले ही निकले थे, और एक काम भी है जो हमें करना है, तो लगे हाथ हमारा ब्लॉग भी हो गया, और अच्छा हुआ कि आज हम बस अच्छा हुआ कि आज हम काम के लिए भी निकले थे। अगर ब्लॉग के लिए निकलते तो काफ़ी समस्या हो जाता। तो दोस्तों हमने बिना चेक किए ही हम घर से निकल गए थे मोटो ब्लॉग करने के लिए, और काफ़ी दिनों के बाद निकले थे मोटो ब्लॉग करने, तो हमें पता नहीं था कि कुछ चीज़ें ख़राब भी हो गई है, कुछ चीज़ ठीक है। तो जैसे कि एक चीज़ और ख़राब हुआ हमारा, वो ये है माउंट, इसको साले को कितना भी टाइट कर लो, ये देखो ये लूज हो ही जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो है घर पे, घर पे जाने के बाद हमें उसको लगा के चेक करना है कि भाई वो भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, वो तो घर पे जाने के बाद हो। बाकी नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करेंगे अच्छे से।